Hello everyone, I'm Dr. Harneet Kaur Kohli, Consultant Psychologist, Manipal Hospital Patiala. Today I'm going to discuss one of my patients. Her name is Tina Jindal. She's from Kaithal and she's suffering from mild depression. She came to me about 3 months back. She was referred by a consultant in Manipal Hospital as she was facing some issues. We'll discuss now. हाँ जी टीना आप मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 3 months पहले आए थे. यस मैम. बेटा आपको क्या क्या प्रॉब्लम तब चल रही थी? जब मुझे डिप्रेशन था और क्या कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा था, चिड़चिड़ापन, और मेरा अकेला रहने का मन करता था ना, मेरा ड्रेसअप होने का मन करता था अच्छी तरह, बिल्कुल मतलब बहुत बेकार, मतलब सारा दिन चिड़चिड़ापन फील होता था. नींद भी आपको ठीक से नहीं आती थी और घर में भी आप अकेले बैठे रहते थे बिल्कुल कमरा बंद करके. हाँ जी, फोन एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था. पढ़ाई की तरफ आपका उस टाइम ध्यान बिल्कुल भी नहीं था. आपके मार्क्स में बहुत इफेक्ट हुआ था. जिस तरह आप 12th में पढ़ते हैं तो इनके मेन कंप्लेंट थी फादर की कि पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं हो पा रहा और सारा दिन इंटरनेट एडिक्शन हो रही थी. तो आप मेरे पास तकरीबन 6-7 सेशंस लगा चुके हैं. इन्होंने मेरे से थेरेपी ली. आई डिड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर हर, देन रिलैक्सेशन थेरेपी भी मैंने इनकी की. एंड बेसिकली जब आप मेरे पास आए थे आपको हेडेक की बहुत कंप्लेंट थी, है ना? तो उसमें कितना हो रहा है? उसमें बहुत ज़्यादा. इनका हेडेक रिलैक्सेशन थेरेपी के बाद काफ़ी हेडेक में भी इनके आराम आया एंड अब इन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है. कंग्रेचुलेशंस. कैसा स्कोर किया बताएं? 78% आया 12th बोर्ड में. 12th बोर्ड में, है ना? मार्क्स भी अच्छे आए. अभी ये परस्यू कर रहे हैं चंडीगढ़ में बायोटेक्नोलॉजी. एंड शी इज़ नाउ रेडी टू स्टे अलोन इन द हॉस्टल. शी हैज़ गेन्ड हर सेल्फ एस्टीम बैक, हर कॉन्फिडेंस बैक. अब इनको अकेले रहने से भी डर नहीं लगता. एंड बताओ कैसा लगता है आपको, रह पाओगे हॉस्टल में? और कोई इशूज? सभी सब सही है? ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच. ओके.